हाय गाइस, अभी आप सब ने सुना होगा कोरोना की सेकेंड वेव जो इंडिया में आई थी उसमें ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी। तो बहुत सारे नए नए टर्म्स हम लोग सुनते थे, जैसे ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स, पीएसए प्लांट्स, क्रायोजेनिक प्रोसेस एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इस वीडियो में मैं बताऊँगा तीन तरीके जिससे मेडिकल ऑक्सीजन बनाई जाती है। सबसे पहले क्रायोजेनिक प्रोसेस या क्रायोजेनिक प्लांट, ये बहुत ही बड़े प्लांट होते हैं जिसको मोस्टली प्राइवेट एंटिटीज़ ओन करती हैं। बहुत ही ब्रॉड टर्म्स में बात करेंगे, इसकी पूरी प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि एयर जो है वो दो मेजर गैसेस का कॉम्बिनेशन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। फाइनल रिजल्ट है वो ये है कि हमें ऑक्सीजन को एयर से सेपरेट करना होता है, मतलब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को अलग अलग करना होता है। तो इसमें क्या होता है कि एम्बियंट एयर यानी कि प्योरीफाइड फॉर्म ऑफ एयर को हम बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे रखते हैं, तो ऑक्सीजन जिस टेम्परेचर पे गैस से लिक्विड में बन जाती है वो है -183 डिग्री सेल्सियस, और नाइट्रोजन जिस टेम्परेचर पे बनती है वो है -195 डिग्री सेल्सियस। एम्बियंट एयर को -183 से थोड़ा कम कर देते हैं ताकि नाइट्रोजन तो गैस में ही रहे पर ऑक्सीजन लिक्विफाई हो जाए। तो फिर ऑक्सीजन जब लिक्विफाई हो जाती है उसको फिर पाइपलाइंस के थ्रू या बैरल्स के थ्रू जिस भी हॉस्पिटल में या जिस भी रीजन में भेजना है वहाँ भेजा जा सकता है। सबसे बेस्ट पार्ट इस प्रोसेस का यह है कि ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन निकलती है इससे एज कम्पेयर टू बाकी प्रोसेस जो हम देखेंगे। इसमें नुकसान यह है कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इंटेंसिव है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए इतना बड़ा प्लांट लगाने के लिए। सेकंड, पीएसए प्लांट। अभी आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर्स दिए हैं कि अराउंड 550 पीएसए प्लांट्स लगाए जाए पूरे कंट्री में। तो पीएसए का फुल फॉर्म है प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन का मतलब होता है कि वो प्रोसेस जिसमें एक गैस एक सॉलिड की तरफ अट्रैक्ट कर जाती है, यानी कि कोई भी एक सॉलिड को हम यूज़ करेंगे तो एक ही टाइप की गैस सॉलिड की तरफ चली जाएगी और दूसरी आगे बढ़ जाएगी। एक बार प्रोसेस देखते हैं, इसमें भी एम्बियंट एयर को थोड़ा सा कंप्रेस करते हैं, थोड़ा प्रेशर अप्लाई करते हैं उस पर, और फिर एक सॉलिड होता है जियोलाइट, और उससे नाइट्रोजन अट्रैक्ट कर जाती है, यानी कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन का कॉम्बिनेशन, यानी कि एम्बियंट एयर जब भेजते हैं हमें उस वेसल में जिसमें जियोलाइट होता है, नाइट्रोजन को जियोलाइट अट्रैक्ट कर लेता है जिसको एड्सॉर्प्शन कहते हैं, जबकि ऑक्सीजन को नहीं करता। तो ऑक्सीजन उसी वेसल से सीधे सीधे पास होते हुए आगे बढ़ जाती है। आप इसको जहाँ भी यूज़ करना है कर सकते हैं। इसका फ़ायदा यह है कि ये जो प्लांट है ये एक छोटे से कमरे में भी आ सकता है, तो हॉस्पिटल्स अपना खुद का पीएसए प्लांट भी रख सकते हैं और फिर सप्लाई दे सकते हैं पेशेंट्स को। बट इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इसको कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अगर पावर ब्लैकआउट हुआ बीच में तो ये बहुत ज़्यादा लीथल हो सकता है पेशेंट्स के लिए। थर्ड इज द ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स। ये छोटा सा एक डिवाइस होता है जो कि आप अपने रूम में भी रख सकते हैं अगर कोई पेशेंट हो तो। ये भी सेम प्रिंसिपल पे काम करता है, प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन वाला, और इसमें बस ये है कि दिस इज स्मॉलर इन साइज। इसके भी वही ड्रॉबैक है कि इसको भी कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ऑर्डर ऑफ प्योरिटी एक बार देख लेते हैं कि जैसा मैंने बोला क्रायोजेनिक प्रोसेस सबसे ज़्यादा प्योर होती है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन निकलती है, उसके बाद फॉलोड बाय पीएसए एंड देन फाइनली फॉलोड बाय द ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लगता है।